हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस तरह की लड्डू गोपाल की एड्रेस बनाएंगे। ये एड्रेस 3 नंबर और 4 नंबर के कान्हा जी के लिए बनाई है। स्ट्रेस को बनाने के लिए मैंने 3 कलर के रिबन का यूज़ किया है। एक तो हम फैंसी रिबन लेते हैं, ये सिल्वर कलर का, जिसके दोनों किनारे के ऊपर शाइन रहती है। इस तरह का हम ये फैंसी रिबन लेते हैं जिसके दोनों किनारों के ऊपर शाइन रहती है। और हम एक रेड और ब्लू कलर का रिबन लेते हैं जो इसके ऊपर चिपका के इस तरह हम पत्तियाँ बना के इसे हम बनाते हैं। पीछे की तरफ से मैंने इसकी चौड़ाई, इसके घेरे की चौड़ाई मैंने 7 इंच ली है। इसके घेरे की चौड़ाई मैंने 7 इंच ली है। सेंटर में से मैं इसे 1.25 इंच का राउंड काटती हूँ जहाँ पे हम अपनी चोली को अटैच करते हैं। चलो हम इसे बनाना शुरू करते हैं। बनाना शुरू करने से पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलो हम इस ड्रेस को बनाना शुरू करते हैं। ये ड्रेस बनाने के लिए सबसे पहले हम एक राउंड का टेट्रोन का पीस लेते हैं। ये मैंने 7 इंच का लिया है और सेंटर में मैं इसे 1.25 इंच का राउंड काटती हूँ जहाँ पे हम अपनी चोली को अटैच करते हैं। इस टेट्रोन के पीस के ऊपर एक ऑफ वाइट कलर का साटन का कपड़ा फेविकोल से पेस्ट कर लेती हूँ। पीछे की तरफ मैं इसमें सिंपल कपड़ा पेस्ट कर लेती हूँ। अब मैंने इसके ऊपर साटन का कपड़ा पेस्ट कर लिया है फेविकोल से, पीछे की तरह के एक सिंपल कपड़ा पेस्ट कर लिया और इसके चारों तरफ मैंने सिलाई मशीन से एक सिलाई लगा ली। सेंटर में भी सिलाई लगा ली है। अब साटन के कपड़े से जो साइड में धागे निकलते हैं उन्हें हम सिक्योर कर लेते हैं, तो उन्हें हम इस तरह से सिक्योर कर लेते हैं सारे से। इस तरह हमारे पूरा घेरा हो गया है जिसको मैंने चारों तरफ से सिक्योर कर लिया है और कपड़े को मैंने पेस्ट कर लिया है। अब हम एक रेड कलर का और एक ब्लू कलर का साटन का रिबन लेते हैं। ये 1/4 इंच का साटन का रिबन होता है, 1/4 इंच का साटन का रिबन होता है ये। एक ही मैंने फैंसी रिबन लिया है सिल्वर कलर का, ये 1/2 इंच का रिबन होता है। इन 3 रिबनों से हम इसकी पत्तियां बनाते हैं ऊपर लगाने के लिए। तो सबसे पहले हम जो हमारा सिल्वर कलर का जो ये रिबन है इसके ऊपर इसके हम 3-3 इंच की पट्टियां काटते हैं। इस तरह हम इसकी 3 इंच की पट्टियां काट लेते हैं। 3 इंच की पट्टियां काटने के बाद 3 इंच की पट्टियां काटने के बाद इसके सेंटर में हम ये ब्लू कलर का रिबन लगाते हैं। इसको लगाने के लिए मैंने ये बॉन्ड ग्रिप काम में ली है, ये किसी भी हार्डवेयर शॉप पे मिल जाती है। इसके सेंटर में मैं इस तरह ये बॉन्ड ग्रिप लगाती हूँ, इस तरह से ब्लू रिबन को इसके ऊपर चिपका देती हूँ। तो ये चिपक जाता है, फिर इसे यहाँ से कैंची से हम कट कर लेते हैं। इस तरह हम दूसरी पट्टी के ऊपर रेड कलर का रिबन चिपकाते हैं। सेंटर में हम इस पे इस तरह हमारी ये पट्टियां बन जाती हैं। इस तरह हम ये पट्टियां बना लेते हैं। पट्टियां बनाने के बाद हम हॉट ग्लू की हेल्प से इस तरह से पत्तियां बनाते हैं। यहाँ पे हॉट ग्लू लगाते हैं, इस तरह इसको मोड़ के
इस तरह पत्ती बना लेते हैं। इस तरह हमारी ये पत्ती बन जाती है। इस तरह हम ये पत्तियां बना लेते हैं। हम अपना घेरा लेते हैं। इस घेरे को हम इस तरह चार बार फोल्ड करते हैं। इस तरह हम चार बार फोल्ड करने के बाद हमारे इसके ऊपर इस तरह ये निशान बन जाते हैं। अब एक निशान से दूसरे निशान के बीच में हमें जहाँ से हमने ओपन किया है वहाँ से शुरू में हम तीन रेड कलर के लगाते हैं और फिर हम तीन ब्लू कलर के लगाते हैं। ये हमारा जो एक निशान है इस निशान के ऊपर हमारे छह पत्तियाँ लग जाती हैं, तो मैं इसे अब लगाना शुरू करती हूँ। अब इस तीन रेड कलर के लगाने के बाद हम इसमें तीन ब्लू कलर के लगाते हैं। तीन ब्लू कलर के लगाने के बाद हमारा ये आधे हिस्से पे ये पूरा हो जाता है। इस तरह हम तीन तीन लगाते हुए इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह मैंने ये फर्स्ट रो कंप्लीट कर ली है। अब सेकंड रो में हम यहाँ पे हमने तीन रेड कलर के लगाए थे वहाँ पे हम दो लगाते हैं और एक रेड कलर का हमारे ब्लू कलर के ऊपर आता है, तो ये हम इस तरह लगाते हैं। अब दो ब्लू कलर के ऊपर एक रेड कलर का हमारे आगे आ जाएगा। दो तो ब्लू के साथ आ जाते हैं, एक रेड के साथ आएगा हमारा। इस तरह मेरे सेकेंड रो भी कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह मैंने यहाँ पे लास्ट में हमारे दो तो ब्लू आ गया और एक हमारा इधर दूसरी साइड में आ जाएगा, तो एक हम इधर की तरफ लगा देते हैं। यहाँ से हमारा ये ओपन हिस्सा रहता है, तो एक ब्लू कलर का हम इधर लगा देते हैं। इस तरह हमारी तीन की रो कंप्लीट हो जाती है। अब हमारे इधर दो तो ब्लू आ जाएंगे। शुरू में दो तो ब्लू आ जाएंगे, एक ये दो ब्लू। अब दो ब्लू होने के बाद हम वापस से दो रेड लगाएंगे क्योंकि हमारी ये दो की रो आ जाएगी तीन के बाद हमारी, एक ये दो। इस तरह हमारी ये दो रो कंप्लीट कर लेते हैं। हमने अपनी फोर रो कंप्लीट कर ली है, अब हम लास्ट की रो लगाते हैं। यहाँ पे हम एक एक लगा लेते हैं। इस तरह हमारा ये घेरा कंप्लीट हो जाता है। अब हम चोली बनाते हैं। चोली बनाने के लिए जो हमारा ये फैंसी रिबन है इस रिबन की हम 9 इंच की दो स्ट्रिप काट लेते हैं और इन स्ट्रिपों को हम एक सादा कपड़े के ऊपर फेविकोल से पेस्ट कर लेते हैं। इस तरह मैंने ये एक 9 इंच की दो स्ट्रिप काट ली हैं और इसे सादा कपड़े के ऊपर मैंने इसे पेस्ट कर लिया। पेस्ट करने के बाद हम इसके सेंटर में जहाँ हमारे दोनों रिबन आपस में चिपकाए हैं वहाँ पे हम एक ब्लू कलर का
सॉरी रेड कलर का रिबन पेस्ट करते हैं और दोनों साइडों में हम ब्लू कलर का रिबन पेस्ट करते हैं। मैंने इसके चारों तरफ जैसे हमने अपने घेरे में सिलाई लगाई थी वैसे इसके चारों तरफ मैंने एक एक सिलाई लगा ली और इसके सेंटर में मैं रेड कलर का रिबन पेस्ट करती हूँ। इसके दोनों तरफ हम ब्लू कलर का रिबन पेस्ट कर लेते हैं। इस तरह हम इसके दोनों तरफ यूँ ब्लू कलर का रिबन पेस्ट कर लेते हैं। इस तरह मैंने अपने पट्टी पे दोनों तरफ ये तीनों रिबन पेस्ट कर ली। अब इसके हम दो पीस कर लेते हैं। दो पीस करने के बाद आगे की तरफ से हम इसे थोड़ा सा दोनों पट्टियों को आपस में जोड़ साइड से हम दोनों बाजुओं को भी जोड़ देते हैं। इस तरह हमारी ये चोली बन जाती है। इसे अब हम घेरे पे अटैच कर देते हैं। जहाँ से हमारा ओपन वाला हिस्सा होता है खुला वाला हिस्सा वहाँ से हम अपनी चोली का खुला वाला हिस्सा पेस्ट करते हैं। इस तरह हमारी ये चोली पूरी इस पर अटैच हो जाती है। पूरी बनने के बाद हमारी ड्रेस कुछ इस तरह से बन जाती है। आपको मेरी ड्रेस अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।